दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, बजट 2019 से आ रही है बड़ी खबर। 12 करोड़ किसान परिवारों के लिए बड़ा ऐलान, हर साल मिलेगी 6000 रुपए की सीधी मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बजट 2019-20 में किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है और वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को फायदा, किसानों को हर साल 6000 रुपए दिए जाएंगे। इससे 12 करोड़ किसानों के परिवारों को फायदा होगा और इसका पैसा सीधा किसानों के खाते में आएंगे। गोयल ने कहा है कि यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी और किसानों को 2000 रुपए की पहली किस्त जल्द ही मिल जाएगी। सरकार 2000 रुपए की 3 किस्तों में यह पैसा सालाना देगी और उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार इस निधि का पूरा खर्च उठाएगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। आपदा की सूरत में फसल में ब्याज पर 5% की छूट मिलेगी। साथ ही सरकार ने पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन छूट की सीमा बढ़ाई है। किसानों के लिए बड़े ऐलान जो हुए हैं उसमें हम आपको बता दें कि पहला है कि 2 हेक्टेयर से कम जमीन पर सालाना पैसा मिलेगा, उसके बाद सालाना 3 किस्त में 6000 रुपए मिलेंगे। मछली पालन पशुपालन वाले किसानों को 2% की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इस योजना से 12 करोड़ किसानों को फायदा भी होगा और ये योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू होने वाली है। दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें और बजट से जुड़ी और भी ज्यादा अपडेट्स और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।